नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने आपत्ति ली। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने रिकाउंटिंग के निर्देश दिए। रिकाउंटिंग के निर्देश के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। सर ये जीते हुए ना तो इनको तकरार तो तकलीफ क्या, फिर जीत जाएंगे, जीते हुए फिर जीत जाएंगे। मेरा रिकाउंटिंग आधार पे जा रहा हूँ, आठ मशीन के नंबर के मिले। कौन सी मशीनों के? मैं आपको लिख के दिया, प्रसाद जी ये बैठा है, आपको लिख के दिया है। आपको दिनों के जब मशीनों के नंबर नहीं मिले तो आपके पोलिंग एजेंट ने वहाँ क्यों साइन? अरे आप बोल रहे पीछे, आपके साथ साथ बोल रहे हो, बोल तो रहे हैं आप, बोल रहे हैं भैया। नीचे बैठिया, आप तो बैठिया नीचे। भाजपा के महापौर प्रत्याशी की जीत की घोषणा के बाद यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का कहना था कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ हुई है, इसीलिए हम रिकाउंटिंग की मांग करते हैं। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा मचाया। इसके बाद जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इधर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी महेश परमार की आपत्ति के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने पुनः रिकाउंटिंग के निर्देश दिए। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार के समर्थक पक्ष में रिकाउंटिंग कक्ष में पहुंचे। उधर अधिकारी भी कुछ देर में पहुंचे, फिर से मतगणना हुई। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि हमने 9 ईवीएम मशीनों की आपत्ति दर्ज कराई थी, उसका भी निराकरण किया जाए। जो मशीन थी वो नंबर हमें चेक की थी, वो मशीन ही नहीं थी। हम दो दिन से इनको कह रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं। और अभी हम 455 वोट जीते हैं, रिकाउंटिंग का हमने बोला है। इनके 18 का जो फॉर्म दिया उसके हिसाब से हम जीते हैं। तो कैसे जीत गए? 21 का केस हम जीते हुए हैं। हमने इनके जो पीठासीन अधिकारी ने 54 वार्ड में अलग अलग बूथों पर हमें दिए, वो जोड़ हम उससे जीते हैं। तो अभी कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि अभी हम आपके दो लोगों के साथ हमें भेज दो, हम जोड़ करते हैं। नहीं होता है, अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है और आपका कहना है कि आप चुनाव जीत चुके, आपके पास पूरे प्रमाण है, क्या कांग्रेस इलेक्शन में? अब आप तो देख रहे हैं, हर बार की लड़ी लड़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव जीता हूँ, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और इनके ही पीठासीन अधिकारी, हमारे भी पीठासीन निर्वाचन के, कलेक्टर के पीठासीन अधिकारी, सरकार के पीठासीन अधिकारी, उन्होंने हम जीते हैं। न्यायालय में जाएंगे क्या कर सकते हैं, तो सत्ता पक्ष आने वाले लोग हैं, लेकिन हम जीते हैं। अभी कलेक्टर ने आश्वस्त किया है, उसके बाद कहानी होगी। असमंजस की स्थिति बनते दिखाई दी। हालांकि उस वक्त अधिकृत घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार जब खबर फैली ही कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार 455 मतों से जीते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में फैली, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इसके बाद जिला कलेक्टर की समझाइश के बाद हंगामा शांत हुआ।